हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। तो आज क्रिसमस है और क्रिसमस वो त्योहार है जब पूरा परिवार मिलकर, दोस्त यार मिलकर इस दिन में बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करते हैं और इस दिन को मनाते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते जरूर त्योहार कुछ फीका हुआ है, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्रिसमस बनाने के पीछे कौन कौन सी वो प्रेरणादायी कहानियां हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में आज क्रिसमस के त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना वायरस के चलते और सालों के मुताबिक इस साल बाजारों में चकाचौंध थोड़ी कम ही देखने को मिल रही है। क्रिसमस ईसाई धर्म का प्रमुख त्योहार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक दिन मरियम को सपनों में भविष्यवाणी सुनाई दी कि उनके घर में प्रभु यीशु का जन्म होगा और कुछ दिन बाद ही मरियम गर्भवती हो गई। मरियम को गर्भावस्था के दौरान ही बैतलहम की यात्रा पर जाना पड़ा। रास्ते में रात ज्यादा होने पर मरियम ने गुफा में शरण ली। इस गुफा में पशु पालने वाले गदड़ी रहते थे। इसी गुफा में प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ था। दुनिया भर में प्रभु ईसा मसीह के जन्म दिवस को लेकर मतभेद था। फिर पहली बार क्रिसमस का पर्व रोम में 336 ईसा में मनाया गया था। तभी से हर साल 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्रिसमस पर ऐसी मान्यता है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बच्चों को तोहफे देते हैं। 340 ईस्वी में 6 दिसंबर को संत निकोलस का जन्म हुआ था। संत निकोलस जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का निधन हो गया था। संत निकोलस बाद में पादरी बन गए थे। मान्यताओं के अनुसार संत निकोलस क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बनकर बच्चों को रात में तोहफे देते थे, क्योंकि उन्हें बच्चों से बेहद लगाव था और रात में तोहफे देने से उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता था। तभी से ऐसा माना जाता है कि क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज बच्चों को गिफ्ट देने आते हैं। ईसाइयों ने क्रिसमस त्योहार को सैटर्निया के साथ जोड़ दिया था और रोमन पेगेंस को लोगों के सामने पेश किया था, जिसके बाद अशेरिया समुदाय के लोगों और उससे जुड़े लोगों को चर्च में क्रिसमस ट्री की पूजा करने के लिए आज्ञा दे दिया गया था। पेगेंस सालों से क्रिसमस ट्री की पूजा करते आ रहे हैं। वे इन पेड़ों को अपने घर में उगाते हैं और उन्हें इस खास दिन पर सजाते हैं। उनकी तरह ईसाई धर्म के लोगों ने भी इस प्रचलन को अपनाया। सबसे पहले क्रिसमस ट्री को 1510 में लातविया के रीगा में सजाया गया था। जर्मनी में सबसे पहले क्रिसमस ट्री को सेब, जिंजर ब्रेड, वेफर्स और मिठाइयों के साथ सजाया गया था। क्या आपको पता है कि हर एक देश में तरह तरह के पेड़ों को क्रिसमस ट्री के तौर पर सजाया जाता है? जैसे न्यूजीलैंड में पोहुटकावा नाम के पेड़ को क्रिसमस ट्री के तौर पर सजाया जाता है, जिसमें लाल फूल लगे रहते हैं। 19 के दशक में जर्मनी में सबसे पहले आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री को बनाया गया था। आजकल मार्केट में कई आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री मौजूद हैं, जिन्हें पीवीसी से बनाया जाता है। क्रिसमस का त्योहार लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आता है। इस दिन लोग सच्चे दिल से जीसस को याद करते हैं और चर्च जाते हैं। क्रिसमस के दिन लोग कई धार्मिक काम करते हैं, अपने घरों को सजाते हैं, अपने प्रियजनों को तोहफे देते हैं। क्रिसमस के त्योहार पर हर जगह खुशियां छाई रहती है और बच्चों के अंदर सेंटा क्लॉज से गिफ्ट पाने का उत्साह रहता है। क्रिसमस के दिन दुनिया भर में चर्च को सजाया जाता है। केक, मिठाई और विशेष व्यंजन बनाकर लोग आपस में खुशियां बांटते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस दिन को मनाते हैं। हरियाणा न्यूज की ओर से आप सभी को भी मैरी क्रिसमस। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।